जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि यूपी में टीजीटी टीचर कैसे बने। ये वीडियो उन नए स्टूडेंट के लिए है जो कि टीजीटी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। यदि पूर्व में आपको टीजीटी के विषय में सारी जानकारी है तो यह वीडियो आप मत देखिए, स्किप करके चले जाइए। लेकिन जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग टीजीटी के बारे में नहीं जानते, उनको कोई बताने वाला नहीं है, तो उनके लिए यह काफ़ी लाभप्रद होगा। तो यहाँ देख लीजिए, टॉपिक है उत्तर प्रदेश में टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कैसे बने। आपको बताना चाहता हूँ कि टीजीटी टीचर जो होते हैं वह कक्षा 9 और 10 को पढ़ाते हैं, कक्षा 9 और 10 को पढ़ाते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि टीजीटी टीचर बनने के लिए हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक और स्नातक के बाद बीएड, इतना ज़रूरी है कि स्नातक और बीएड जो लोग कर लेते हैं वह टीजीटी का फॉर्म, उत्तर प्रदेश में टीजीटी का फॉर्म भर पाते हैं। तो आगे देख लीजिए कुछ मुख्य बिंदु है, उनके बारे में भी आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, पहला बिंदु है टीजीटी अपने स्नातक में पढ़े गए विषय से बनते हैं। टीजीटी मतलब क्या, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो टीजीटी टीचर हैं वह किस सब्जेक्ट से बनते हैं। तो जो स्नातक में आपने विषय पढ़ा है उसी विषय के टीचर आप बनेंगे। यदि आपने स्नातक में विषय नहीं पढ़ा है तो उस विषय के टीचर आप नहीं बन पाएंगे। आगे देखिए, बीएड में शिक्षण सब्जेक्ट होता है, अतः उसके आधार पर टीजीटी टीचर नहीं बनते। यहाँ यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का स्नातक में वह सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन वह कहते हैं कि सर बीएड में हमने यह सब्जेक्ट पढ़ा है। तो आपको पता है कि बीएड में शिक्षण सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं रहता है। जैसे कि यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी आपने स्नातक में पढ़ा है, तो उसका तो पूरा डिटेल रहेगा, डिटेल अध्ययन करते हैं। लेकिन बीएड में शिक्षण सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो कैसे उसको पढ़ाया जाए उसके संदर्भ में रहता है। अलग अलग कौशल होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैसे उसको पढ़ाया जाए। तो वहाँ तो केवल आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में बीएड में थोड़ा डिटेल बताया जाएगा। तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि बीएड में मैंने शिक्षण सब्जेक्ट ले लिया है तो उससे मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगा। तो आपको बता रहा हूँ, बीएड में शिक्षण सब्जेक्ट होता है, अतः उसके आधार पर टीजीटी टीचर नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आप लोगों से अपील करता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है प्रतिशत मार्क की बाध्यता नहीं होती है। जैसा कि बहुत से एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कितने प्रतिशत मार्क होना चाहिए, यह होना चाहिए, एकेडमिक मेरिट इतनी होनी चाहिए, लेकिन टीजीटी टीचर में तो यही खासियत है कि इसमें एकेडमिक का कोई मतलब नहीं होता है, प्रतिशत मार्क की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका मार्क शुरू में कम आया है लेकिन उनके अंदर जज्बा है कि मुझे टीचर बनना है, तो उनके लिए टीजीटी एक अवसर लेकर के आता है। अन्यथा की स्थिति में जैसा कि आप लोग प्राइमरी में देख रहे हैं कि उसमें सुपर टेट का भी मार्क के साथ साथ एकेडमिक मेरिट का भी लिया जाता है 40%, तो उसमें बहुत से लोग पिछड़ जाते हैं। लेकिन टीजीटी में ऐसा नहीं है, चाहे किसी का 90 हो चाहे किसी का 50 हो, कोई उससे बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बेनिफिट मिलेगा सिर्फ एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम होता है। अगला देखिए, 21 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष के नीचे उम्र होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी खासियत तो दोस्तों यह भी है कि उम्र वाली बात, 21 वर्ष से ऊपर हो और 60 वर्ष से, 60 वर्ष की सर्विस होती है, आधा साल बचा हो, 59 साल के हो तब भी आप फार्म अप्लाई कर पाएंगे। बड़ी इसकी ज़बरदस्त खासियत ही है, इसको लोग अनवरत लगे रहते हैं। मैंने तो देखा कि मेरे संपर्क में बहुत से लोग जो कि शुरुआत में मान लीजिए मेरिट कम था, नहीं प्राइमरी में आ पाए, लगे इसमें टीजीटी में, 40 साल के बाद नौकरी पाए, 42 साल 45 साल पर निकाल रहे हैं। आपको कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा सिलेक्शन की एकदम अद्भुत सिलेक्शन कहा जा सकता है। जो एक कहावत नहीं सुने हैं कि जब जागिए तभी सवेर, जब जागे तभी सवेर, भोजपुरी में लोग कहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ उसको यह चरितार्थ करने वाला कि नौकरी है, कि लोग
एक लोग तो आपको बताना चाहता हूँ, आप हंसेंगे, एक लोग मुझे मिले थे जो कि 58 साल पे नौकरी पाए थे। उनकी सर्विस सिर्फ 2 साल रहेगी, लेकिन तब भी वो मुझे मिले थे और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल करके। तो यहाँ देखिए 21 से 60 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। अगला देखिए, TGT में केवल उस विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं जिससे आपने फार्म डाला है। GK GS मैथ रीजनिंग नहीं आता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोग कहते हैं अरे मुझे मैथ नहीं आता है, तो मैथ नहीं आता तो मुझे कैसे नौकरी मिलेगी, अरे रीजनिंगियाँ कमज़ोर बा यही नाते नौकरियाँ ना ही पावत हैं, अरे GK GS बहुत हार्ड पड़ जाला ना तैयार हो पावला, कैसे नौकरी मिली। यहाँ बहुत बेनिफिट है, केवल विषय से, उस विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, समझ गए ना, केवल जिस विषय से फार्म अप्लाई करेंगे उसी विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। ऐसा कहीं हमको लगता है कि कहीं एग्जाम नहीं मिलेगा। अदर स्टेट में तो GK GS सब आदि आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बदलाव नहीं हुआ है, बहुत पुराना पैटर्न चल रहा है, बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जिस दिन बदलाव हो जाएगा उस दिन बहुत समस्या हो जाएगी, अभी बदलाव नहीं है, केवल उसी विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं। 125 प्रश्न होते हैं, यहाँ भी देखिए 125 प्रश्न होते हैं परीक्षा में, 125 प्रश्न आते हैं उसी विषय से संबंधित आएंगे जिस विषय से आपने फार्म अप्लाई किया है। आगे देखते हैं कोई और बिंदु, यहाँ देखिए, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि सभी ग्रेजुएट फार्म नहीं भर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उपरोक्त मैंने जो डिग्री बताया आपने लिया है तो फार्म अप्लाई कर ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक थोड़ा सा पेंच होता है। TGT में सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी मांगा जाता है, तो सभी विषय के लिए तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से मैं 2 विषय का जिक्र कर देता हूँ आप लोगों को इसी वीडियो में। जैसे आपने आपको हिंदी TGT देना है, आपको हिंदी TGT देना है तो यहाँ देख लीजिए, स्नातक में हिंदी होना चाहिए और संस्कृत होना चाहिए। अगर हिंदी TGT देना चाहते हैं तो हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, इसमें स्नातक में आपका यह 2 विषय होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और छूट मिल गया है लगभग पिछले 2 भर्तियों में, कि अगर स्नातक में आपका संस्कृत नहीं है तो इंटर में संस्कृत होना चाहिए। तो इंटर में अगर संस्कृत है तब भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ग्रेजुएशन में भी नहीं किए रहते, इंटर में नहीं किए रहते हैं, लेकिन यही सुविधा है कि आप लोग स्नातक कर लिए हैं, BEd कर लिए हैं और सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो TGT सुविधा देता है कि आप बाद में एक विषय से करके, चाहे आप स्नातक एक विषय से कर लीजिए, चाहे संस्कृत से आप इंटर कर लीजिए एक विषय से, तो आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने का मौका देता है, तब भी आपका काम बन जाएगा। एक और विषय होता है सोशल साइंस TGT, इसमें दोस्तों चार विषय में से 2 विषय का कम्बिनेशन होता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इसमें देखिए 2 विषय का कम्बिनेशन बनाना होता है। अब इनमें से आप चाहे जो चाहे, आपने ये 2 विषय पढ़ा, चाहे आपने ये 2 विषय पढ़ा, या आप 4 में से कोई भी 2 विषय लेकर के, तो इस तरह सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन जाता है। तो यही सब छोटी मोटी बातें थी, बाकी इससे TGT PGT संबंध में मैंने बहुत सा वीडियो बनाया है, आप खोजेंगे कोई टॉपिक लिख करके अजय सर जी का नाम बोल करके, जैसे आपको TGT टीचर के संबंध में सब्जेक्ट कम्बिनेशन का वीडियो देखना है, आप उसके संबंध बोल करके और लिख करके आगे अजय सर जी लिख देंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए सोचता रहता हूँ हमेशा कि अच्छा अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।